जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल IDA जयपुर, और इसके अंदर ये सीरीज है कॉफी विद देवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज है जो हमारी, इसके अंदर आम से खास कुछ ऐसे गेस्ट यहाँ पर बुलाए जाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ आगे ऐसा कुछ किया है जिसके लिए उन्हें प्राउड फील हो रहा हो। और इसी श्रृंखला के अंदर आज के हमारे मेहमान हैं एकता। एकता कैसे हो? अच्छा। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को हेलो हेलो। ओके, तो आज जो आप यहाँ हमारे इस शो पर आए हो, कैसा लग रहा है? पहले कभी सोचा था यहाँ आने का? नहीं सर, कभी नहीं सोचा, लेकिन आज आए हो। आज तो अभी जाकर के देखना और अपने दोस्तों को भी इस शो के बारे में बताना। तो इस शो पे पहले से भी बहुत से आते रहे हैं, उन्हें बुलाते रहे हैं हम लोग, और आज मैं यहाँ पर एक खास मेहमान है हमारी एकता, जिनके लिए। तो सबसे पहले ये कॉफी विद देवेंद्र है, तो कॉफी है, सबसे पहले तो कॉफी का आनंद लीजिए। कैसी है कॉफी? अच्छी है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं अभी हमारे इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो आपने जो यहाँ पर तैयारी की है और आपने सफलता हासिल की, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एकता है जिन्होंने RRB ग्रुप डी का फाइनल सिलेक्शन है इनका, और हमारे ऐसे बहुत सारे सिलेक्शंस बाकी हैं अभी। कॉफी विद देवेंद्र के काफी एपिसोड आने वाले हैं, इंतजार में रहिए आप लोग। तो ये हमारे आज पहले हैं जो कि आज आए हैं, और यहाँ पर जो इन्होंने ग्रुप डी की तैयारियां की थी और ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल के ऊपर काफी पेरेंट्स भी हैं, काफी बच्चे हैं जो कि तैयारियां करते हैं। तो आज सबसे पहले आप इन्हें ये बताइए कि आपने जो सफलता हासिल की है, जो सफलता हासिल की है, बहुत से बार ऐसा होता है कि कई लोग सोचते हैं कि रात के अंदर ही सफलता हो गई, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है, एक ही नाइट में आता है, वन नाइट सक्सेस है ना, बट ऐसा नहीं होता, वन नाइट सक्सेस नहीं होती है, बट लोग ऐसा देखते हैं, वो कहते हैं वन नाइट सक्सेस है ये। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वो वन नाइट की मेहनत नहीं होती, वो पूरे दो एक डेढ़ साल की मेहनत होती है, वो आपकी रातों की मेहनत होती है, जो आप जगते हो वहाँ पे, जो आप पे आपको देखने वाले कोई नहीं होता, आपके पेरेंट्स भी सोते हैं, भाई बहन सोते हैं, सिर्फ आपको पता होता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपना कितना परसेंट दे रहे हो, सिर्फ आप अपने आप को जानते हो आपने कितना दिया है, बाकी सब देखते हैं आपको पढ़ते हुए। लेकिन जैसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ते रहते हैं, तो माँ बाप को तो लगेगा कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं पढ़ते, बिल्कुल आउटपुट नहीं होता उनको। ये सर वो नहीं पढ़ते हैं, वो अपना ध्यान भी नहीं देते, वो तैयारी तो करते हैं लेकिन इतनी सीरियस तरीके से नहीं करते हैं। तो बच्चों को यही होता है कि उनको रिजल्ट भी नहीं आता, और जो मेहनत करता है, जिसने वाकई किसी की मेहनत की है, तो उसका एक बार असफलता मिली, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जॉब पे मिल जाएगी, लेकिन मिल ही जाती है सफलता उसे, चाहे उसे छोटा एक दो अंतर होता है, लेकिन मिल जाती है उसे। तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, और जैसे रेगुलरिटी बनाने से ही सफलता मिलती है। वो एक दो जैसे बच्चे करते हैं कि बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि एग्जाम टाइम में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो बीच में अगर घूमने चले गए, कहीं और चले गए, लाइब्रेरी मिस कर दी, पेरेंट्स के साथ इंजॉय करें, तो इन सब चीज़ों ये टाइम वेस्ट होता है। अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हो तो उससे आपकी पहले की प्रिपरेशन होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा जो पेपर था, मेरी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी उस टाइम पे, मेरे यानी कि झगड़े हुए थे, फैमिली तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं माइंड से अपसेट थी, मैंने 6-7 दिन तक पढ़ाई नहीं की थी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे ही, लेकिन फिर भी मैं रोते धोते कैसे भी एग्ज़ाम देने गई थी। और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकली, मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी वो पहले की मेहनत थी, बहुत पहले की मेहनत थी कि मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया था। लेकिन एग्जाम टाइम में मैंने तैयारी पढ़ी नहीं बिल्कुल, मैंने रिवाइज भी नहीं किया था 6-7 दिन, मैंने कुछ भी नहीं किया था, और जो मेरी मेंटली कंडीशन भी ठीक नहीं थी, मैं बहुत यानी कि बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी उस टाइम पे। लेकिन जब मैं पेपर देख के निकली, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं हो जाऊंगी इस बार, अच्छा गया मेरा पेपर, बहुत खुशी थी। और फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो उसमें बहुत काफ़ी अच्छे नंबर आए मेरे, तो उसको देख के सारी टेंशन ऐसे हो गई कि वो मेहनत मेरी काम आ गई। मैं उस टाइम पे इतना हो रही थी कि
मुझे इतना खुशी हुई थी कि मेरी पहले की मेहनत थी, क्योंकि मैं एग्जाम टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। मैं लग रहा था क्या पता मैं पास भी होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जब पेपर्स देके निकली तब बहुत अच्छा हुआ सब कुछ, और फाइनल रिजल्ट भी अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की भी सफलता एक दिन में डिसाइड नहीं करती है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम आया उसके चार दिन पहले रग रहे हैं, रटने में लग रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपने जो पहले पढ़ाई की है उसी का फायदा, जैसे कि अभी एकता ने बताया कि उसके जो एग्जाम के दो चार दिन पहले तक तो पढ़ी नहीं, उसके बावजूद भी इनका पेपर अच्छा हुआ। तो वो अच्छा इसलिए नहीं हुआ कि ये पढ़ी नहीं, इसलिए हुआ कि इन्होंने जो पहले लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे। तो आपकी तैयारी में लंबा समय बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि आपने तैयारी की है, हमारे जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि देख रहे हैं और वो भी कई डिफरेंस डिफरेंस एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनकी को आप क्या बताना चाहोगे, किस तरह से ऐसे क्या स्ट्रेटेजी हो उनकी कि लंबे समय के लिए जो तैयारी हो, एक साल डेढ़ साल उन्हें इतना तो देना ही चाहिए, इससे ज्यादा ही देना चाहिए, कम देने की सोचो मत। तो जो लंबा पीरियड है उसमें उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उबाऊ भी होता है, बोर हो जाते हैं, फिर लगता है कि यार कितना पढ़ेंगे क्या करेंगे, तो उस वक्त क्या करना चाहिए उन्हें, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जब आप किसी अपने लक्ष्य को ठान रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसका टाइम भी देके चलो कि मुझे एक ये माइंडसेट रखो कि इसमें एक डेढ़ साल तो लगेगा ही मुझे, ठीक है। फिर आपकी प्रिपरेशन होती है, जब कभी डिमोटिवेट होते हैं तो आपके फ्रेंड्सर की लेसे रखो जो आपको मोटिवेट करे, उनको देखे कि ये पढ़ रहा है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आपको लाइब्रेरी में कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं होता, डिस्टर्ब हो जाते, कभी तबीयत खराब होती है, लेकिन जब दूसरे वाला पढ़ता है, आपके जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो उनको देख के लगता है कि यार ये इतनी मेहनत कर रहा है, मेरी मेहनत से क्या होगा। जब वो बच्चा आपसे ज़्यादा दे रहा है तो आपको उससे ज़्यादा लाने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसकी जो करे वैसा ही करो, आपकी अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मेरे पास इतना टाइम है और मुझे ये सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। और रही सिलेबस की बात है, जो सिलेबस निकलवाते हो तो दूसरों की बातों पे मत ही आया करो कि हाँ ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, कुछ बुक्स डिसाइड कर लो और उन्हीं से चीजें आती है। और सबसे मेन चीज होती है आजकल की जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, अगर आप उसको लेके चलते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो सब कुछ अच्छे हो जाता है। आपके 70+ स्कोर होता ही है अगर आपने अच्छी से मेहनत की हो, बाकी एक डेढ़ साल तो हर चीज में लगता ही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सिलेक्शन के लिए अभी जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम था, और अभी मैं कई सेंटर्स पे गया था, तो वहाँ जाकर के मैंने रिव्यू लिया था, बच्चों से पूछ रहा था, तो वहाँ ऐसा ही लग रहा था कि वो बच्चे पढ़े हुए नहीं हैं, उन्होंने लंबे समय से तैयारी नहीं की है, उन्होंने मुश्किल से 15 दिन पढ़े हैं या 20 दिन पढ़े हैं, और वो लोग आकर के कह रहे हैं कि नहीं सर हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, हमारा तो पेपर ठीक नहीं हुआ, हमारा पेपर छूट गया है, 80 मिनट का टाइम था, 80 क्वेश्चन थे, 60 मिनट का टाइम था, उसके अंदर वो कह रहे थे नहीं हमारा तो पेपर ही छूट गया, हम तो पोर्शन दो ही पोर्शन कर पाए, इस तरह के। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं टाइम तो बहुत था, हमने 70-75 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और आज जब उनका स्कोर देखें तो वो भी 135 से अबव है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा यही मानना है जो बच्चे जिनकी तैयारी कम होती है उनके साथ ऐसा होता है, या फिर वो चीज़ें की कम तैयारी में कुछ चीज़ों की कमियां रखते हैं। जैसे हम बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से प्रैक्टिस सेट लेते हैं, और वहाँ पे हमारे माउस पे टाइम अपना सेट नहीं होता। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि मेरे पास लैपटॉप था लेकिन मैंने फिर भी तैयारी नहीं की थी, मैंने उसे यानी कि फ़ोन में ही किया था तैयारी, जो प्रैक्टिस सेट देती थी मैं फ़ोन में ही देती थी, तो उससे मेरे की माउस पे स्पीड बनी तो मैं घबरा गई कि मेरा पेपर छूटेगा। लेकिन तो फिर मैंने थोड़ा स्पीड में 3-4 क्वेश्चंस गलत कर दी थी, हिंदी के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मुझसे गलत हुए थे, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो बच्चे का यही होता है कि अगर आप कंप्यूटर से टेस्ट दे रहे हो, अगर फोन आपके पास लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं है, आप फ़ोन पे जो टेस्ट लगाते हो प्रैक्टिस सेट देते हो, तो उसे 10 यानी कि आपको 10-15 मिनट पहले ही टेस्ट को ऑफ कर देना चाहिए कि मेरा इतना स्कोर रहा है। और जो मॉक टेस्ट आते हैं उस पर टेस्ट ना करके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको सॉल्व करना चाहिए उन पे ज़्यादा, क्योंकि मॉक टेस्ट इतने हार्ड नहीं होते हैं, और हार्ड भी होंगे तो वो कुछ अलग ही सिलेबस से जाएंगे। लेकिन जो एसएससी पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर को ज़्यादा प्रिफेयर करता है, ओनली 25 ही वो न्यू एड होता है, हर एग्जाम्स में यही होता है, बाकी 75% वो पिछले करके ही देते हैं। अगर आपके वो उसमें अच्छे नंबर आ रहे, 80+ आ रहे, तो आप आराम से 70+ फाइनल एग्जाम में क्लियर करोगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे हर जब एसएससी जेडी की मैंने तैयारी नहीं की थी
मेरा रेलवे का ही था, लेकिन एसएससी जीडी मैंने ऐसे ही भरा था, तो उसमें मेरा जो 80+ स्कोर रहता था टेस्ट में है ना, तो वहाँ से थोड़ा मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वो लैपटॉप की माउस की वजह से, मेरी स्पीड माउस में नहीं थी, तो मेरे वहाँ पे 65 रॉ मार्क्स थे और 70 हो गए थे वो नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो फाइनल सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन उसमें हो गया था, बट मैंने पीटी की तैयारी नहीं की थी। तो यही होता है कि बच्चों की थोड़ी छोटी छोटी कमियां होती है, तो वही दूर अगर पहले एग्जाम से पहले हम इन पे ध्यान दे लें, अगर बच्चों से पूछ के कुछ अपना देख के ये सब चीजें कमियां करते, तो फाइनल सिलेक्शन एक बार में भी हो जाता है बच्चों का। बट ये होगा सही टाइम पे सही चीजें और सही बुक्स से, ऐसे नहीं कि हर चीज बस कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज करो। मेरे ये था कि एसएससीडी तो क्लियर होगा, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा था कि सिलेबस बहुत था, साइंस मेरे नहीं बनती थी, साइंस की मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती थी, जबकि मैं 3-4 बार अलग अलग टीचर से 3-4 बार खुद पढ़ चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें आती फिर भी मेरे से साइंस के क्वेश्चन गलत होते थे। तो मैंने यही किया, जो सर थे जो जिन्होंने पहले ग्रुप डी पास किया, ग्रुप डी रेलवे के कुछ पेपर्स पास किए होते, तो उनके मैंने उनको फॉलो किया, उन्होंने मुझे यही बताया और सबको यही बताते थे कि जो आपको जो चीज कम पढ़ो लेकिन उसे रट लो कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही, ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो जो आप इजी क्वेश्चन होते, तो उनको तो रट डालो कि ये क्वेश्चन तो आएंगे, और बाकी 1-2 क्वेश्चन नए बनते हैं उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस रगड़ने की जरूरत होती नहीं है, रटने की जरूरत होती नहीं, बस जो है पिछले पैटर्न को फॉलो करके चलो आप, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाता है। कॉफी लो आप, तो अभी पहले तो कॉफी खत्म कर लेते। दूसरा, आपने जो एकेडमी में यहाँ तैयारी की है, आपने सब कुछ देखा है, यहाँ का हॉस्टल, आप हॉस्टल में रहे थे, हॉस्टल देखा आपने, यहाँ तैयारियाँ देखी है आपने, तो बच्चे आना चाह रहे हैं या जो बच्चे तैयारियों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप रिव्यू कीजिए, एक बार यहाँ पे आइए, जो हमने देखा हमारी थिंक थी वो, हमने ये देखा कि अदर एकेडमीज के यहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, आपको बहुत प्यार से पोलाइटली सारी चीज़ें सिखाई जाती है, और प्लस अगर आपके पास कम टाइम है तो उसके लिए एक्स्ट्रा भी सारे अफेक्ट्स लगाते हैं सर, एक्स्ट्रा में आपको सिखाते हैं, आपकी कमियों के अकॉर्डिंग सिखाते हैं, डाइट चार्ट भी आपके अकॉर्डिंग बनेगा और आपके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करेगी, अगर आप इतना ज़्यादा हेल्दी होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सब चीज़ें डिसाइड होगी, तो ये चीज़ें बेस्ट है। और गर्ल्स के लिए होगा कि सेफ्टी, पेरेंट्स को दिक्कत होती है सेफ्टी के लिए, पेरेंट्स गर्ल्स को भेजा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है उन्हें, जो मैम है एक माँ की तरह उनका ध्यान रखती है, टाइम टू टाइम स्पेशली इनके फ्लैट्स पे खाना दिया जाता है और सेफ्टी पूरी होती है सर, बाकायदा हमारे एक अलग से स्टार सिटी है, वहाँ पे अच्छे अच्छे रूम्स होते हैं और वहाँ पे बहुत सेफ्टी होती है, पानी वगैरह सब अच्छा है वहाँ पे, एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, और एक फैमिली की तरह आईडी है, बहुत बहुत प्यार देते हैं यहाँ पे लोग, बहुत अच्छा लगा था मुझे आके यहाँ पे। इसके अंदर एक सवाल पूछा किसी ने, सफल होने के लिए क्या प्लानिंग जरूरी है? आपने, आप सफल कैंडिडेट हो, तो सफल होने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए किसी को सफल होना? अभी जैसे कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल भी आ रहे हैं, एसएससी जीडी के फिजिकल आ रहे हैं, तो जो गर्ल्स है बेसिकली, गर्ल्स को ज्यादा दिक्कत आती है कि वो सोचती है हम कैसे तैयारी करें, साथ ही रिटर्न के, अभी दिल्ली पुलिस का रिटर्न भी आने वाले हैं कि नई वैकेंसी जा रही है, तो ओवरऑल क्या प्लानिंग होनी चाहिए उनके लिए? प्लानिंग यही होती है, अगर आप जो एग्जाम डिसाइड कर रहे हो, पहले तो ऐसा डिसाइड रखो कि आप एक मंथ में कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, एक अगर आपकी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने बहुत अच्छे से अदर एग्जाम्स की तैयारी की, तो आपका एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट है ना अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो इस लाइन में, आपने कभी तैयारी नहीं की है, तो आपको पहले एग्जाम्स के यानी कि 5-6 मंथ तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये फिक्स करना है और एक ही एग्जाम। और बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि इस एग्जाम्स की भी तैयारी कर लेते हैं और दूसरा एग्जाम आ रहा है तो उसको भी दे लेते हैं, तो ये बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके साथियों और हॉस्टल के सभी साथियों के साथ हुई कुछ हंसी मजाक की कुछ बातें, कुछ जरूरी बातें जो कि आप साझा करना चाहती हो, जिससे कि ऐसी कोई हंसी मजाक वाली या कोई ऐसे किस्से हो जो यहाँ की
सर हमारी वैसे तो छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी, गर्ल्स के ऐसे होता था, बस मांझने में सबसे ज्यादा होते थे सफाई वगैरह में, लेकिन फिर बाद में जब एक दूसरे को जानने लग गए थे तो बहुत अच्छा लगने लग गया था। ममता दीदी तो मेरी सिस्टर की तरह थी, जो प्रीति वगैरह थी वो भी बहुत अच्छी हो गई थी, यानी कि बहुत जच गई थी, ऐसे कंपनी बहुत अच्छी लगने लग गई थी। और अभी भी आज भी हम कॉन्टेक्ट में हैं और एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं, पूछते क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो यहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल जिंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारा है, आपकी सफलता में सफल होने का श्रेय, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? ये था जब सफलता का श्रेय जैसे एक लोगों को तो नहीं जाता है, बिकॉज जब मैंने तैयारी की थी तो ना ही फैमिली साथ थी ना कुछ था, सब मुझे ऐसे बोलते थे क्योंकि मैं बहुत टफर स्टूडेंट थी। मेरे टेंथ में मैथ में ग्रेड लगी थी, मैं पास ग्रेस लगी थी, ग्रेस से पास हुई थी। बिल्कुल, आपने मुझे एक बार बताया भी था कि मेरी मैथ बहुत वीक थी, उसके बावजूद आपने ग्रुप डी का जो कि लेवल पेपर आया था, जो कि बहुत से बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे, उस पेपर को आपने क्लियर किया। इतनी मैथ वीक होने के बावजूद आपने किस तरह से किया, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हमारे व्यूवर्स हैं, अधिकतर मेरे चैनल पे बच्चे वो ज्यादातर आर्मी वगैरह के बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं और उनकी मैथ बहुत वीक होती है, तो ये आपने कैसे किया वो जरूर पक्का बताइए, ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो जरूर आप गौर से सुनिए इन्हें, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने मैथ बहुत वीक थी इनकी, लेकिन उन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का जो एक लेवल का पेपर आता है, बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर आया था, उसे इन्होंने क्लियर किया है, तो जरूर आप इस मंत्र को पहचानो। मेरा ये था कि मेरी मैथ वीक थी, लेकिन जो मेरा फ्रेंड था वो, यानी कि मेरे एक दोस्त से भी अच्छा था, यानी कि जो मैं घर वालों से भी शेयर नहीं करती थी, मैं कभी रोती नहीं थी मेरी फैमिली के सामने कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसके सामने रोती धोती थी कि हाँ मुझे ये नहीं चीज़ आती। SSC स्टडी, मैंने SSC का सिलेबस बहुत हाई ली, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे क्या चीज़ करनी है, लेकिन मैंने SSC की सिलेबस, मैं कोचिंग नहीं की थी और मुझे ना सारी SSC की चीज़ें प्रोवाइड होती, जो आसपास के लोगों से मिलती है उनकी फोटोकॉपी, मदर्स की फोटोकॉपी करवा ली, उनको सॉल्व करती, तो मुझे चीज़ें समझ नहीं आती। यूट्यूब से एक क्लास ले ली, फिर भी मुझे समझ नहीं आती, तो मैं मेंस, मुझे पक्षांतर तक भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं मेंसुरेशन, एक कुछ टॉपिक्स तो क्लियर हो गए मेरे, अर्थमेटिक तो काफ़ी अच्छी होने लग गई, लेकिन जब एडवांस की बारी आई तो नहीं हो रही चीज़ें, मैं रोती थी बहुत, लेकिन मैंने उसी एडवांस को मैंने 3-4 बार अलग अलग टीचर से पढ़ा, और जितना मुझे करना था प्रैक्टिस, मैं मैथ को 200-200 क्वेश्चंस डेली करती, कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे में लगी रहती थी, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, मैंने बहुत प्रैक्टिस की। आज चीज़ ये है कि मुझे मैथ करे हुए 2-3 मंथ हो गए, लेकिन फिर भी मैं पेपर सॉल्व करती हूँ, स्टेट के पूरे पेपर कर लेती हूँ, स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, और नॉर्मली KVS अभी पेपर दे गई थी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि मेरा रिवीजन नहीं किया हुआ था। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, आपको पता है आपकी मैथ वीक है, दो चीज़ों को आपको पहचानिए कि आपके कौन से कंसेप्ट वीक है, उसे लिखिए और प्रैक्टिस इतना कीजिए, बहुत प्रैक्टिस से ही चीज़ें सीख, कोई तो आगे से सीख के आता है, उनका तो उनको प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो हम जैसे स्टूडेंट होते हैं जिसकी वीक होती है, तो उनको प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस कीजिए, लगे रहिए उस पर, और बाकी सब कुछ अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि एकता ने बताया अभी कि भाई मैंने प्रैक्टिस की, एक ही टॉपिक जो है उसके एक दिन में 200 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। मैं बहुत से बच्चे जो हमारे हैं उनको बताता हूँ कि आपको एक बार कोई चैप्टर पढ़ा है उसके 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वो हैरान रह जाते हैं, वो बोलते हैं ऐसे भी होता है क्या, लेकिन आपके सामने देख लो ये, अगर आप 100-150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत नहीं रखते हो, तो फिर आपको ये कहने का हक नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आती। अगर आप ये सब 150-200 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो और उसके बाद आप कह के देखो कि मुझे नहीं आती, आप कह ही नहीं सकते, आपको सब कुछ आएगा। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, आप जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करोगे फिर आपको किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आती, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आपने ये किया है और ग्रुप डी का आपने अभी जॉब ली है, जो कि आपने जैसे कि बताया कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी और आपने किया, अब आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है?
मेरा ये था कि मुझे पहले तो पहली डिसाइड था कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, मुझे जॉब करनी थी, बट फैमिली मेरा प्राइवेट में काफ़ी इंटरेस्ट था सर, कि मैंने फैशन डिजाइनिंग भी की थी, उस पर भी जाना थी, लेकिन जॉब के लिए घर वालों ने फैमिली मना कर दिया। कोई बात नहीं, तो अब अपने डिजाइन कर लेना। सर फिर मैंने गवर्नमेंट चूज किया कि मैं गवर्नमेंट में ऐसी थिंक होती गवर्नमेंट के लिए कोई मना नहीं करता, तो मैंने उसकी तैयारी की, बाकायदा आज मैं सफल हो गई। तो मेरा ये था कि एक बार छोटी एक स्टेप पूरा हो जाए तो फिर मैं दूसरा स्टेप रखूँ। अब मेरा ये कि आरएस की प्रिपरेशन करूंगी, ऑनलाइन कोर्स लूंगी दृष्टि क्लासेस, तो ऑनलाइन ही वहाँ पे जो रूम मिलेंगी, जॉब भी करूंगी और वो भी मेहनत करूंगी, मैं अच्छा खासा दूंगी। 3-4 साल का मैंने प्लानिंग की है उसके लिए कि 3-4 साल में मुझे आरएस बनना ही है, फाइनल ईयर। आपके जज्बे को सलाम है और जरूर भगवान आपको तरक्की दे और जल्दी से जल्दी आपके जो सपने हैं वो पूरे करें और आप ग्रुप डी से सीधा एसडीएम लगो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और जब एसडीएम लग जाते हो तो हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भूलूंगी, मैं किसी को नहीं भूलूंगी। बिल्कुल, तो आप जब एसडीएम बन जाओगे तो फिर हम दोबारा से कॉफी विद देवेंद्र पे मिलेंगे। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय दिया इसके लिए, और फिर जल्द ही किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ, दूसरी शख्सियत के साथ मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।